भारत में हुए कोरोना विस्फोट से पूरी दुनिया चिंतित है। जिस तेजी से देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब दुनिया की तरफ से भारत पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में अमेरिका, यूके से लेकर पाकिस्तान और हांगकांग जैसे छोटे देश भी शामिल है। सभी ने भारत में बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है और यात्रियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी है। रविवार रात को हांगकांग सरकार की तरफ से भारत से आ रही यात्रियों पर रोक लगा दी गई। जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 14 दिन तक कोई भी फ्लाइट भारत से हांगकांग नहीं आएगी। 20 अप्रैल से हांगकांग सरकार की तरफ से इन पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। ये कठोर फैसला तब लिया गया जब मुंबई से हांगकांग पहुंचे कुछ यात्री कोविड पॉजिटिव निकले। इससे पहले भी बढ़ते मामलों को देखते हुए हांगकांग की तरफ भारत से आ रही फ्लाइट बंद की गई थी। इस बार भी खतरे को देखते हुए ये आदेश जारी हुए हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत से आ रही यात्रियों पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। वहां की सरकार की तरफ से भारत को सी श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि 2 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान को सी श्रेणी में रखा जाएगा। वहां से आ रहे यात्रियों पर रोक लगी रहेगी, फिर चाहे वे फ्लाइट से आए या फिर लैंड रूट से। यूके की तरफ से भी कड़ा रुख देखने को मिला है। 23 अप्रैल से भारत से आ रहे यात्रियों को यूके जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं यूके के नागरिक जो भारत से अपने देश आना चाहते हैं, उन्हें भी अब 11 दिन के लिए किसी होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका की बाइडेन सरकार भी एक्शन में आ गई है। सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर भारत को लेवल 4 में रखा गया और तमाम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी सूरत में भारत ट्रैवल ना करें। दलील दी गई है कि भारत में कोरोना की स्थिति भयावह है और वैक्सीन ले चुके यात्री भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। एक समय खुद को कोरोना से मुक्त कर चुका न्यूजीलैंड भी भारत में चल रही दूसरी लहर से काफी डर गया है। इसे देखते भारत से आ रहे यात्रियों पर ये ट्रैवल बैन लगाया गया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।